नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहानाबाद लोकसभा सीट से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी अब आगे हो गए हैं। वहीं सुरेंद्र यादव आरजेडी के कैंडिडेट पीछे हो गए हैं। दिन में यह दूसरी बार ऐसा परिवर्तन हुआ है कि जब चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने आरजेडी के कैंडिडेट सुरेंद्र यादव से दूरी बना ली है। वोटों के अंतर का लगभग 1000 वोटों का अंतर है, जबकि यहां पर तीसरे उम्मीदवार अरुण कुमार भी थे जो अब बिल्कुल भी रेस में नहीं है। उनको बहुत कम वोट मिले हैं। आरजेडी के खाते में यह सीट जाती दिख रही थी कि जहानाबाद की सीट पर अरुण कुमार जितने वोट काटेंगे तो उससे शायद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हार जाए चुनाव, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कड़ी फाइट देते हुए सीट बैक कर ली है और अब वो 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो जहानाबाद की सीट भी आरजेडी के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। बिहार में जहां ये लग रहा था कि एक सीट शायद आरजेडी जीत जाए, वो है जहानाबाद की सीट, लेकिन यह सीट भी अब आरजेडी के हाथ से जाती हुई दिख रही है, क्योंकि पाटलिपुत्र सीट पर भी सुबह से काफी टफ फाइट थी। वहां पर मीसा भारती काफ़ी टफ फाइट दे रही थी। वो चुनाव में शुरुआती रुझानों में वो लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे परिणाम नज़दीक आने वाले हैं उनका अंतर काफ़ी बढ़ गया है। रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र सीट पर बढ़त बना ली है। वो लगभग 30,000 वोटों से अब आगे चल रहे हैं। मीसा भारती वहां पर पीछे हो गई। तो बिहार में इस बार आरजेडी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। आरजेडी शून्य पर आने वाली है। महागठबंधन की चार घटक दल शून्य पर आ रहे हैं। आरजेडी, आरएलएसपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सब का खाता भी नहीं खुल रहा बिहार में। मोदी और नीतीश कुमार के सामने ये तमाम दल फेल होते दिख रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस एक सीट पर फाइट कर रही है, वो भी देखना है जब परिणाम सामने आते हैं तो क्या कांग्रेस उस सीट को अपने पास रख पाती है। तो इस वक्त बड़ी खबर जहानाबाद लोकसभा सीट से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आगे हो गए हैं, जबकि सुरेंद्र यादव यहां पर पिछड़ रहे हैं। लाइव सिटीज आपको इलेक्शन परिणाम रिजल्ट्स के दौरान हर एक अपडेट आपको करा रहा है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं और फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।